أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم dear students of 10th class I am Abdul Rahman Sheikh Mosque Girls High School Belgaum our today's 10th class English topic is once again long walk to freedom part 2 and our subtopic today's subtopic is textual questions अजीज तलबा और तालिबात आज की अंग्रेजी क्लास यानी 10th क्लास की अंग्रेजी क्लास में हम एक बार फिर लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के टेक्स्टुअल क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सा क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, तो उसी के मुताबिक हम दिए गए क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। The question number one, what does Mandela mean when he says he is simply the sum of all those African patriots who had gone before him? तो हमारा सवाल है कि जब मंडेला नेल्सन यानी नेल्सन मंडेला अपनी स्पीच में ये कहते हैं कि he is simply the sum of all those African patriots कि वो तमाम African patriots यानी अफ्रीका के साउथ अफ्रीका के हुबल वतन जो मंडेला से पहले गुजर चुके हैं, जिन्होंने आजादी के लिए मुख्तलिफ किस्म की कुर्बानियां दी हैं, तो अब इस दुनिया में नहीं है। तो मंडेला ये कहते हैं कि ही इज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज के मंडेला के मुताबिक यानी मंडेला कहते हैं कि मैं उन तमाम हुब्बल वतनों का लुबी लुबा यानी उनका समअप यानी उनके नक्श कदम पर चलने वाला हूं, उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलने वाला हूं, जिन्होंने साउथ अफ्रीका की आजादी के लिए मुख्तलिफ किस्म की कुर्बानियां दी हैं और अब इस दुनिया में नहीं है। वो कुर्बानियां देकर आजादी की जंग लड़कर अब इस दुनिया से चले गए हैं, तो मैं उन्हीं के दिए हुए रास्ते पे उन्हीं के नक्श कदम पर चलता हूं और ये उन्हीं की दी हुई या उन्हीं की देन है। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन। तो आंसर, मंडेला मीन्स टू से दैट विदाउट द सेक्रीफाइसेस ऑफ ऑल दोज हु हैड गॉन बिफोर हिम ही कुड नेवर हैव बीन व्हाट ही इज टुडे के मंडेला ये कहते हैं कि जिन्होंने इस साउथ अफ्रीका की आजादी के लिए मुख्तलिफ वक्तों पर मुख्तलिफ किस्म की कुर्बानियां दी है, अब वो इस दुनिया में नहीं मौजूद हैं, तो आज जो कुछ भी मैं हूं उन्हीं की वजह से हूं, क्योंकि मैं उन्हीं के दिए हुए रास्ते पे ही चलता हूं, उन्हीं के नक्श कदम पे चलता हूं, तो मैं जो कुछ भी आज हूं उन्हीं की देन है, उन्हीं की वजह से हूं। इज बिकमिंग द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका हु नेवर हैव बीन पॉसिबल। तो मंडेला कहते हैं कि चूंकि सैफ फॉर्म में से मैं साउथ अफ्रीका का पहला प्रेसिडेंट बन गया हूं, तो यह बिल्कुल नामुमकिन था, यह नामुमकिन था विदाउट देयर सेक्रीफाइसेस उन लोगों की कुर्बानियों के बगैर, यानी ये उन लोगों की कुर्बानियों का फल है, का नतीजा है, जो मुझसे पहले ये
जबकि ये आजादी की लड़ाई लड़कर इस दुनिया से चले गए तो उन्हीं की दी हुई कुर्बानियों का ये नतीजा है कि मैं अब आज सयाह फॉर्म एक साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट हूं. दैट इज वाई ही कॉल्स हिमसेल्फ सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियट्स. तो यही वजह है कि मंडेला अपने आप को उन्हीं हुबल वतनों का पैरोकार हुबल वतनों का जिन्होंने इस आजादी के लिए सेक्रीफाइसेस यानी कुर्बानियां दी हैं उन्हीं का पैरोकार अपने आप को समझते हैं यानी नेल्सन मंडेला हु हैड गॉन बिफोर हिम तो जो इस दुनिया से चले गए हैं. तो ये था हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर. अब दूसरा क्वेश्चन, हाउ डिड मंडेलाज अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विद एज एंड एक्सपीरियंस. तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि हाउ डिड मंडेलाज अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विद एज एंड एक्सपीरियंस. हमारा क्वेश्चन है कि मंडेला नेल्सन मंडेला के मुताबिक या नेल्सन मंडेला में जो आजादी के बारे में सोच थी तो वो किस तरह से उसकी बढ़ती हुई एज यानी उम्र उम्र के साथ साथ और तजुर्बे के साथ साथ ये आजादी के ख्याल किस तरह से चेंज हो गई बदल गई इनमें किस तरह से तब्दीली आती रही. ये हमारा क्वेश्चन है आज. तो आंसर, एज ए चाइल्ड बचते एक बच्चा फ्रीडम मेंट टू मंडेला द फ्रीडम टू रन इन द फील्ड्स. यानी जब मंडेला एक बच्चा था तो बचते बच्चा मंडेला ने आजादी को सिर्फ फील्ड्स में दौड़ना यानी खेतों में इधर उधर दौड़ लगाना खुले मैदानों में दौड़ लगाना बहसते एक बच्चा तो मंडेला इसी को उस वक्त आजादी समझते थे. यानी पहले पहले बचपन में वो खुले मैदानों में खुले खेतों में दौड़ना मंडेला इसी को आजादी समझते थे एज ए स्टूडेंट. लेकिन बचते एक तालिब इल्म इट मेंट द फ्रीडम टू रीड. मंडेला आजादी को क्या समझते थे तो रीड व्हाट ही प्लीज्ड एंड गो वेयर ही प्लीज्ड. वो आजादी सिर्फ इस चीज को समझते थे कि जो कुछ वो पढ़ना चाहते थे जो जिसे वो मतलब अपनी मर्जी से खुशी से पढ़ना चाहते थे वो पढ़े और जहां अपनी मर्जी से खुशी से जाना चाहते हैं वहां जाए. तो बहसते स्टूडेंट इसी को वो आजादी समझते थे. फिर एज ए यंग मैन बहसते एक नौजवान इट मेंट द फ्रीडम टू डेवलप वन्स पोटेंशियल एंड लिव ए लॉफुल लाइफ. तो बहसते एक नौजवान मंडेला आजादी समझते आजादी को क्या समझते थे कि डेवलप वन्स पोटेंशियल तो अपने पोटेंशियल्स को डेवलप करना अपने ताकत को अपनी इल्मी ताकत को अपनी सोच को अपनी हिम्मत को बढ़ाना एंड लिव ए लॉफुल लाइफ और कानून के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारना. तो यही इसी को मंडेला यानी नौजवानी में आजादी समझते थे बहसते नौजवान. बट देन ही रियलाइज्ड लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उम्र गुजरने के साथ साथ एक्सपीरियंस यानी तजुर्बात करने के साथ साथ क्या ही रियलाइज्ड
उसने ये जान लिया, नेल्सन मंडेला ने जान लिया, समझ लिया, परख लिया दैट ऑल दीज आर ट्रांजिटरी फ्रीडम्स, कि आज तक जो जिन चीजों को मैं आजादी समझता था वो एक आरजी ट्रांजिटरी, यानी वो एक आरजी आजादियां थी, यानी खेत खलियानों में आजादी से दौड़ लगाना, इधर उधर दौड़ना, घूमना फिरना, या जो दिल चाहे वही पढ़ना, जो जहां दिल चाहे वहां आजादी से जाना, या अपने आप में पोटेंशियल डेवलप करना। अब इन्होंने जान लिया कि सारी की सारी ट्रांजिटरी यानी आरजी आजादियां थी। नाउ फ्रीडम ट्रूली मेंट टू हिम, अब हकीकी आजादी क्या है, मेंट टू हिम द फ्रीडम ऑफ एवरीवन, कि हर शख्स की, हर इंडिविजुअल की आजादी, ऑफ एवरी क्लास, हर मतलब इंसान, हर क्लास की आजादी, यानी हर कबीले के इंसान की, हर कास्ट जात के इंसान की आजादी, हर नस्ल के इंसान की आजादी, एवरी क्लास, एवरी कास्ट एंड कलर, और हर रंग के इंसान की आजादी को सही यानी हकीकी आजादी समझते हैं। यानी एक इंसान की हकीकी आजादी वो है कि जब किसी ग्रुप से, किसी जात से, किसी घर से, किसी मजहब से कोई भी इंसान ताल्लुक रखता हो, तो जब हर लहज से वो आजाद हो, तो इसी चीज को वो हकीकी आजादी समझते हैं। तो अजीज तुलबा और तालिबात, इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक या टेंथ क्लास के मतलब अंग्रेजी क्लास अपने अख्तिताम को पहुंचती है। तो इस वक्त मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह कल आपके सामने और एक टॉपिक लेकर हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।